हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते हैं, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ क्लास की SST की बुक्स हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लो। आज का जो हमारा लेसन है वो है क्लास एट्थ का लेसन नंबर 24, हमारे गौरव। तो इसके बीच में क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है, हमारे देश को गौरवशाली बनाने में किन किन वैज्ञानिकों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का योगदान रहा है, उनके बारे में डिटेल है इसके बीच में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चंद्र बरदाई के बारे में। तो चंद्र बरदाई का जन्म कब हुआ था? 1148 में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम राव वेन था। राव वेन अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। इसी से चंद को अपने पिता के साथ राजकुल के संपर्क में आने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही ये प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही इन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त किया। और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने के न केवल राज्य कवि घोषित हुए बल्कि उनके सलाहकार व मित्र भी बन गए थे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है, जो कि प्रसिद्ध रचना है और ये पेपर में पूछी भी जाती है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इस ग्रंथ से चंद्रबरदाई की वीरता, विद्यता, सहृदयता और मित्र भक्ति का प्रत्यय प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो ध्यान से आप पढ़िए। चंद्र बरदाई का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये किस मतलब किन के चौहानों के पुरोहित थे, तो किन चौहानों के पुरोहित थे, तो अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। और इन्होंने कौन सी रचना की थी, तो पृथ्वीराज रासो। उसके बाद में देखते हैं महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था, 598 ईस्वी में। भीनमाल जालौर राजस्थान में हुआ था। खगोल शास्त्री थे ये। इन्होंने 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना किसने की, तो ब्रह्मा गुप्त ने। उसके बाद में इन्होंने ग्रंथ के अलावा एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था खंड खाद्य कम। तो इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, अंतर्वेशन व समतल, त्रिकोणमिति व गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में साइन और कोसाइन के नियम उपलब्ध कराए हैं इन्होंने। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों के बीच में अरबी और फारसी भाषा में भी इन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद में और देखते हैं, इन्होंने शून्य के गुणधर्म की व्याख्या भी इन ग्रंथों में की है। उसके अलावा है महर्षि सुश्रुतु। तो इनका जो जन्म हुआ था वो यूरोप में हुआ था, ठीक है। शल्य क्रिया का प्रारंभ यूरोप में हुआ, पर हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही विकसित है। शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम महर्षि सुश्रुत का। ये कुशल और प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि शल्य क्रिया को एक व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया, तो सुश्रुत ने। इन्होंने और क्या किया, ये विश्वामित्र के वंशज थे, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इन्हें आज भी सुश्रुत संहिता को आज भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को आजकल चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी माना जाता है। यद्यपि अमेरिका के विद्वान इसका श्रेय लेते हैं, किंतु सुश्रुत ने अपने इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख आज से सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। तो इस पद्धति का अनुसरण यूरोप ने किया और आज यह विश्व भर में प्रचलित और भारत के विषयों को यह सबसे बड़ी देन है। उसके बाद में देखते हैं रामानुजन। तो रामानुजन का जन्म कब हुआ था, 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में हुआ था। इनका पितृक तंजौर जिले में था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंकर, इनकी माता का नाम कोमल तामल। तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा 1904 ईस्वी में उत्तीर्ण की और इनको छात्रवृत्ति मिली थी। 16 जनवरी 1913 ईस्वी को रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जी एच हार्डी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लगभग 120 प्रमेय भी भेजी। उसके बाद में इनको इंग्लैंड बुला दिया गया और 14 अप्रैल 1914 को ये इंग्लैंड लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड में उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ अनुसंधान कार्य किया, जिसमें 9 शोध प्रकाशित किए। रामानुज को उनके शोध पत्र के आधार पर बिना परीक्षा दिए ही 1916 में स्नातक उपाधि प्रदान कर दी गई। उसके बाद में ये 1919 में वे भारत से इंग्लैंड भारत पहुंच गए। 26 अप्रैल 1920 को 33 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। और श्री रामानुजन भारतीय सभ्यता व संस्कृति के सच्चे पुजारी थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी रहूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे भारतीयता को चोट पहुंचे। तो ये सारी की सारी बातें इनसे रिलेटेड है।
उसके बाद में आते हैं महाकवि माघ। तो महाकवि माघ, इसके आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, श्री मालनगर भीनमाल राजस्थान में हुआ है। और इन्होंने किसकी रचना की है, शिशुपाल वदम की रचना की है। ज़्यादातर यही पढ़ने की जरूरत है क्योंकि पेपर के अंदर आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं, उसके बाद में सूत्रधार मंडन। तो मंडन ने किन किन रचनाएं की हैं, ठीक है। मंडन उस काल में हुए जबकि मंदिर मूर्ति और चित्रकला आदि में संकट थे। तो इन्होंने कई स्थापत्य शास्त्रियों के लिए नियम देकर महल, घर, निवास, जलाशय, मंदिर, प्रतिमा आदि के निर्माण में सहयोग किया। वास्तुशास्त्र में मंडन का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुंभलगढ़ जैसा अभेद्य दुर्ग मंडन के मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था, किसकी योजना वह मार्गदर्शन के अनुसार बनाया, तो मंडन आएगा उसका आंसर, ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं, जैसे देव प्रसाद वापी जलाशय प्रतिमा संबंधी स्थापत्य कार्य का उसे काफ़ी अनुभव था। मंडन मेवाड़ के महाराणा कुंभा का प्रिय वास्तुशिल्पी रहा। तो हम कह सकते हैं कि मंडन किसका प्रिय वास्तुशिल्पी रहा, तो कुंभा का। उसके अलावा और देखते हैं, मंडन के लिखे गए ग्रंथों में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, वास्तु राजवल्लभ, वास्तुशास्त्रम, वास्तुमंडनम, वास्तुशास्त्र सार और वास्तु मंजरी प्रमुख हैं। उसके बाद में महर्षि पराशर, तो इनकी जो बुक है वही अपने देखते हैं मेन। तो महर्षि पराशर का जन्म कब कहाँ पे हुआ था, पुष्कर में, अजमेर में हुआ था। इनकी जो रचना उसका नाम है कृषि पराशर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, महर्षि पराशर ने कृषि को कितना ऊंचा स्थान दिया, उसके श्लोक से स्पष्ट होता है। मतलब कि इन्होंने ज़्यादातर किस में योगदान दिया था, कृषि के क्षेत्र में दिया था, कि ज़्यादातर किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, जो जैविक खाद है उसका ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पशुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में है। खेती में काम आने वाले जो भी कार्य हैं उनका यूज़ करना चाहिए। मौसम का पूर्वानुमान से संबंधित इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। उसके बाद में अगले हैं चक्रपाणि मिश्र। तो इन्होंने चार ग्रंथों की रचना की है, विषवल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श और राज्याभिषेक पद्धति। तो विषवल्लभ की रचना में पंडित चक्रपाणि मिश्र ने जिस स्त्रोत सामग्री का सहारा लिया है उसे वराहमिहिर कृत व्रत संहिता मुख्य है। और अपनी द्वितीय रचना राज्याभिषेक पत्ति में उसने वराहमिहिर की सामग्री का ही उपयोग किया है। चक्रपाणि मिश्र ने भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख किया, मतलब कि भूमिगत जल के बारे में जो ज्ञान कराने का यंत्र है उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। गाँवों में आज भी हरवों की बड़ी पूछ है। हरवा विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दिशा और गहराई बताता है। मतलब कि ये क्या है, हरवा एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि के नीचे का पानी और उसकी दिशा के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ये भी कृषि क्षेत्र के बीच में ही योगदान देते हैं। तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति में राजवल्लभ के श्लोकों का उद्धत किया था। और विषवल्लभ वृक्ष यजुर्वेद में जलाशय वर्णन के संदर्भ में राजवल्लभ के श्लोकों को विस्तार किया। उसके बाद में है शारंगदर। तो शारंगदर हमीर रणथंभौर का शासक के गुरु राघव देव का पौत्र वह दामोदर का पुत्र था। हमीर रासु तथा शारंगदर संहिता ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। शारंगदर का योगदान इसके द्वारा तैयार संगीत पद्धति से है। तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके ही नाम पर शारंगदर पद्धति कहा जाता है। संगीत के लुप्त ग्रंथ गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है, जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने के लिए मुख्य आधार है। इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।